आप लोग बिलीव नहीं करोगे, ये हेडफोन जस्ट मैंने 500 रुपीस में अमेजोन से परचेज करा है एंड इसकी रेटिंग अराउंड 62,000 प्लस देखने को मिलती है। इस प्राइस में इसमें हमें डुअल पेयरिंग का सपोर्ट मिल जाता है, ऑक्स केबल इसमें यूज कर सकते हो एंड यहाँ तक कि माइक्रो एसडी कार्ड का भी स्लॉट दे रखा है। तो ये है जेब्रोनिक्स का जेब थंडर। बॉक्स कुछ ऐसा देखने को मिलता है, बॉक्स के ऊपर आपको हेडफोन की फोटो देखने को मिल जाती है, बॉक्स के पीछे हमें कुछ इसके हाइलाइटेड फीचर्स देखने को मिल जाते हैं एंड जैसे कि मैंने बताया कि इस प्राइस में हमें डुअल पेयरिंग का सपोर्ट मिलता है, माइक्रो एसडी कार्ड का भी स्लॉट दे रखा है इसके अंदर। तो फटाफट बॉक्स को ओपन करते हैं। तो सबसे ऊपर हेडफोन रखा मिल जाता है एंड ये है माइक्रो यूएसबी की चार्जिंग केबल। आपको बॉक्स में ही ऑक्स केबल भी देखने को मिलती है अराउंड 1.2 मीटर लेंथ की एंड यूजर मैनुअल मिल जाता है एंड इस हेडफोन पे आपको अराउंड 12 मंथ्स की वारंटी भी मिलती है। तो मेरे पास है ब्लैक कलर में, लेकिन ये टोटल 10 डिफरेंट कलर्स में आता है, मेरे को ब्लैक ही सबसे सस्ता मिल रहा था इसलिए मैंने यही परचेज कर लिया। तो हेडफोन कम्प्लीटली प्लास्टिक बिल्ड में है, प्राइसिंग को देखते हुए मेरे हिसाब से तो कोई कम्प्लेन नहीं होनी चाहिए। कहने को तो मेरे पास ब्लैक कलर में है, लेकिन इसमें ब्लैक एंड ग्रे का कॉम्बिनेशन है, जो भी इसमें कुशन्स वगैरह है एंड जो बटन्स वगैरह दे रखे हैं वो ग्रे कलर में है, बाकी जो हेडफोन आपका वो ब्लैक कलर में मिल जाता है। तो हेडफोन पे हमें मैट फिनिश देखने को मिलता है, जो भी आपके फिंगरप्रिंट्स वगैरह होंगे ना वो उतने ज्यादा विजिबल नहीं होंगे एंड स्क्रैचेस भी थोड़े से कम नोटिस होंगे एंड जो कुशन्स वगैरह हैं, हेड कुशन एंड ईयर कुशन्स, वो काफी ज्यादा सॉफ्ट देखने को मिलते हैं एंड ये ओवर द ईयर हेडफोन है तो लॉन्गर टाइम के लिए अगर आप लोग इसको यूज करोगे तो आपके ईयर्स में पेन वगैरह नहीं होगा एंड यहाँ पे साउंड एक्सपीरियंस भी आपको बढ़िया देखने को मिलेगा एंड इसको आप लोग अपने हेड के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकती हो। इसमें हमें एक्सटेंडर भी देखने को मिल जाते हैं। इस हेडफोन में बस मेरे को एक ही डाउन पॉइंट मिला कि ये बिल्कुल भी फोल्डेबल नहीं है, मतलब कहीं भी आपको कैरी वगैरह करना हुआ तो इसको फोल्ड नहीं कर सकते, आपको डायरेक्टली इसको होल्ड करके ऐसे ही एज इट इज ले जाना होगा एंड इसमें हमें लेफ्ट एंड राइट की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है। सारे बटन्स एंड पोर्ट्स हमें लेफ्ट साइड देखने को मिलते हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। तो पावर ऑन करने के लिए जो लेफ्ट साइड ये बड़ा बटन देखने को मिलता है, इसको 3 सेकंड के लिए प्रेस एंड होल्ड करके रखना है, उसके बाद इसमें ब्लू कलर की एलईडी ब्लिंक करने लग जाएगी, मतलब कि आपका जो हेडफोन है पावर ऑन हो चुका है। उसके बाद सिंपली अपने फोन में ब्लूटूथ ऑन करके इसको पेयर कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कि डुअल पेयरिंग का सपोर्ट है तो दो डिवाइस में एक साथ इसको आप लोग पेयर कर पाओगे। एक ही डाउन पॉइंट मेरे को देखने को मिला कि इसके अंदर हमें ब्लूटूथ वर्जन 4.2 देखने को मिलता है, जो कि एक तरीके से काफी ओल्ड है, लेकिन फिर भी आपको कनेक्टिविटी में कोई भी इशू नहीं आने वाला है एंड ये जो पावर ऑन वाला बटन है, इसी का यूज करके आप लोग यहाँ पे कॉल वगैरह पिकअप कर सकते हो या फिर कॉल डिक्लाइन कर सकते हो एंड साइड में ही आपको 3 बटन्स और देखने को मिल जाते हैं। तो सेंटर वाले बटन का यूज करके आप लोग म्यूजिक को प्ले पॉज कर सकते हो एंड प्लस एंड माइनस वाले का यूज करके आप लोग यहाँ पे वॉल्यूम को भी चेंज कर सकते हो एंड म्यूजिक को भी चेंज कर सकते हो। ऊपर आपको यहाँ पे माइक्रो एसडी कार्ड का भी स्लॉट देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे आप लोग अपना एसडी कार्ड इंसर्ट कर सकते हो, अप टू 32 GB का ये एसडी कार्ड सपोर्ट करता है। यहाँ पे हमें एलईडी इंडिकेटर भी देखने को मिलता है एंड इसके जस्ट नीचे चार्जिंग पोर्ट दे रखा है, तो माइक्रो यूएसबी की चार्जिंग सपोर्ट करता है ये। इस प्राइस में हमें यहाँ पे ऑक्स केबल का भी सपोर्ट दे रखा है, तो ब्लूटूथ के साथ साथ आप लोग इसको ऑक्स केबल के साथ भी कनेक्ट करके यूज कर सकते हो, अगर बैटरी खत्म होगी तो ऑक्स मोड पे स्विच कर लो एंड इसमें हमें 40mm के ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं। तो लास्ट 7 डेज से मैं इसको यूज कर रहा हूँ एंड अभी तक मेरे को इसके ऑडियो को लेके कोई भी कंप्लेन वगैरह नहीं है। ऑडियो क्वालिटी प्राइसिंग को देखते हुए डिसेंट है काफी, यहाँ पे आप लोग इसका सैंपल भी सुन सकते हो। जब आप लोग इसको रियल में एक्सपीरियंस करोगे तभी इसकी ऑडियो क्वालिटी का आपको आइडिया लगेगा। अगर मैं ना इसको फुल वॉल्यूम पे भी सुनता हूँ ना तो म्यूजिक में कोई भी डिस्टॉर्शन देखने को नहीं मिलता, मतलब कि आवाज उसकी फटती नहीं है। फुल वॉल्यूम पे भी यहाँ पे आपको वोकल्स एंड जो म्यूजिक है क्लियरली सुनाई देता है एंड इसमें हमें इनबिल्ट माइक्रोफोन भी देखने को मिलता है। तो अभी आप लोग जो ऑडियो सुन रहे हो ये रिकॉर्ड हो रहा है जेब्रोनिक्स जेब थंडर के माइक्रोफोन से। तो जब भी आप लोग कॉल वगैरह में बात करोगे तो सामने वाले को आपकी आवाज कुछ ऐसी ही सुनाई देगी। तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप लोग बता दो कि इसकी जो माइक क्वालिटी है कैसी लग रही है एंड माइक को भी लेके मेरे को कोई भी इशू नहीं है। ना बारी आती है इसकी बैटरी बैकअप के रिगार्डिंग, तो कंपनी यहाँ पे क्लेम करती है कि अगर आप लोग 50% वॉल्यूम पे सुनते हो तो 9 आवर्स का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 80% पे वॉल्यूम पे अगर आप लोग सुनोगे ना तो अराउंड 4 to 5 आवर्स का इजी बैटरी बैकअप ये निकाल के दे देगा। तो बात करें अगर गेमिंग के रिगार्डिंग, तो इस हेडफोन को मैं गेमिंग के लिए उतना ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ब्लूटूथ मोड पे डेफिनेटली आपको यहाँ पे डिले देखने को मिलेगा ही मिलेगा।
लेकिन यहीं पे अगर आप लोग इसको ऑक्स केबल के साथ यूज करोगे तो उसमें कोई भी डिले वगैरह नहीं मिलेगा। तो 500 की प्राइस सेगमेंट में इससे बेटर आपको हेडफोन नहीं मिल सकता। इस प्राइस में ऑलरेडी ये बेस्ट हेडफोन आपको मिल रहा है। तो परचेज करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, क्लिक करके परचेज कर सकते हो। एंड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो इस हेडफोन के रिगार्डिंग तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर करूंगा।